नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग यूपी पुलिस में कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग के इस आने वाली परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा संभावित प्रश्न है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप लोग के इस एग्ज़ाम के लिए। तो आज हमारा इसका जो है मॉक टेस्ट हेल्ड रहेगा। इससे पहले टोटल में दो मॉक टेस्ट में आप लोग के साथ कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस भी कर चुके थे। अगर आप लोग उस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, तो दोस्तों अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप लोग अभी देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर ऊपर एक राइट साइड में एक आई आइकन का बटन आ रहा होगा। कहाँ आएगा दोस्तों? ये आपका जो है इस साइड में एक आई आइकन का बटन आ रहा होगा, यहां पर क्लिक करके भी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके ओके तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को सारा स्टडी रिलेटेड मटेरियल आपको मिलता रहे। और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी वो आपको मिलती रहे। ओके और आपको बता दें दोस्तों कि अब आप लोग जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है। टेलीग्राम के हमारे दो लिंक है, एक है दोस्तों जॉब नोटिफिकेशन के पर्पज़ से, और एक है आपका सेकेंड जो है आप लोग का वो है आपका चैनल टेलीग्राम में स्टडी रिलेटेड। ओके तो वहाँ पर आपको जो है जितना भी मैंने आपको स्टडी में कवर कराया है वो सारे टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके तो वहाँ पर आपको कई सारी वीडियो हमारी मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के, देखते हैं दोस्तों क्या है आज का सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि भारत में आजकल नंबर वन पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है, यानी कि इनडायरेक्ट शब्दों में आपको ये बताना दोस्तों फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो ये जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये जो है महान व्यक्ति ये हैं मार्क जुकरबर्ग, ये हैं फेसबुक के संस्थापक। ओके और आपको बता दें ये जो है भारत में वर्तमान नंबर वन पर जो है सोशल नेटवर्किंग आपकी यही चल रही है ये वेबसाइट। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रयाग क्या कहते हैं। दोस्तों तो प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर में, ठीक है, आप लोगों ने कोडिंग की होगी, यूज़ की होगी, जो भी कंप्यूटर अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने कंप्यूटर में, तो आपको बताया दोस्तों तो उसमें प्रोग्रामिंग होती है, उसमें कुछ कथनों की बार बार, ठीक है, बार बार जो पुनरावृत्ति होती है ना कि बार बार उसी चीज़ का जो है प्रयोग किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? लूपिंग कहते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं, कंपाइलिंग कहते हैं, या फिर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, उसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दें लूपिंग, लूपिंग क्या कहते हैं दोस्तों, अगर आपको एक ही कोड को बार बार यूज़ करना है तो दोस्तों यहाँ पर लूपिंग क्या फ़ायदा देती है आपको बता दें, तो हम लोग उस पर एक लूप लगाते थे जिससे हमें कि वो कोडिंग जो है बार बार ना लिखने के बजाय हम लोग सिर्फ एक बार लिखते हैं, और लूपिंग में वो नंबर लिखते थे कि हमें इसको 6 बार यूज़ करना है, 10 बार यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। ओके तो लूपिंग का प्रयोग जो है कई पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेड कार्यों के लिए सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। लूपिंग का एक मुख्य प्रयोग जो है प्रोग्रामिंग में कथनों की बार बार पुनरावृत्ति में किया जाता है। एक लूप एक से अधिक रेखाओं के बिंदु कथनों या कई जैसे कई बार जैसे आप चाहते हैं का कार्यान्वयन के लिए किया जाता है इसका यूज़। ओके आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके ओके चलिए देखिए दोस्तों सेकंड आप लोग का जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दांत और हड्डियाँ किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं, क्लोरीन से, सोडियम से, कैल्शियम से, फिर फ्लोरीन से। आई होप दोस्तों आप सभी के यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी को पता होना चाहिए था। तो दोस्तों दांत और हड्डियों की यहाँ पर बात करें तो ये जो मजबूती और दृढ़ता प्रदान करती है इसका जो कारण है मेन वो क्या है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ये है आपका कैल्शियम। ओके दूसरे खनिजों की अपेक्षा मानव शरीर को कैल्शियम की जो है अधिक आवश्यकता होती है, कम से कम 99% कैल्शियम हड्डी और दांतों में पाया जाता है जो मजबूती और दृढ़ता प्रदान करता है, और शेष 1% जो रुधिर में भी पाया जाता है, फिजियोलॉजिकल क्रिया में पाया जाता है, फिजियोलॉजिकल क्रिया को नियमित करने में मांसपेशियाँ और तंत्रिकाएँ जो हैं दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है साथ में, कि शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। दोस्तों शार्क होती है फिश, इसमें जो है किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है, विषपाली पूंछ, द्विसंपाली पूंछ, या फिर आधपाली पूंछ, या फिर संपाली पूंछ। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ये है आपका विषपाली पूंछ, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, शार्क में जो है विषम पाली पूंछ पाई जाती है जिसमें जो है डोर्सल भाग सामान्यतः
वेल्ट्रल भाग से बड़ा होता है। जो डोर्सल भाग हो जो होता है इसका डोर्सल भाग वो जो होता है वेल्ट्रल भाग से बड़ा होता है। तो विषम पालिपूंछ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, आपको बता दें दोस्तों ये जो पूंछ है वो है आपकी विषम पाली, विषम पाली। क्लियर इतनी बात? ओके, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिग्मा रूपी बृहद्रांत किसका भाग है? बड़ी यात का है, क्षुद्रांत का है, छोटी यात या फिर गुदा? तो आपको बताएं कालन को जो है बड़ी यात कहते हैं, ईलियम जो है छोटी यात का पिछला भाग। ईलियम क्या होता है? छोटी यात का पिछला भाग होता है। और सेसम जो होता है वो कालन का अंश भाग जो पेट के निचले भाग से जुड़ा रहता है। तो इस आधार पे आप लोग बता सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, बड़ी यात। ओके, जो ये सिग्मा रूपी बृहद्रांत है ये जो है बड़ी यात का भाग होता है, ठीक है। छोटी यात का जो पिछला भाग होता है उसको बोलते हैं इलियम। दोस्तों छोटी आंत का जो पिछला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलियम, ठीक है, ला बना इलियम। और एक है आपका सेशम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सेशम क्या होता है? सेशम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों क्या है सेशम? सेशम क्या होता है दोस्तों? ये होता है कालन का एक अंश होता है जो पेट के निचले भाग से भाग में से जुड़ा होता है। अच्छा फिलहाल देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? धनात्मक आवेशित, विद्युतीय, निष्प्रभावी, वैकल्पिक रूप से धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशित या फिर ऋणात्मक आवेशित। दोस्तों आपको बताना कि धारा का वहन, जो करंट होता है उसका फ्लो हो रहा होता है, तो उस समय दोस्तों जो होता है कंडक्टर यानी कि सुचालक जो होता है वो कैसा होता है? तो विद्युत के एक सुचालक में धारा का जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन दोस्तों आप जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वे जो होती है वो ऋणावेशित होती है। कैसी होती है दोस्तों? वे जो होते हैं ऋणावेशित होते हैं, जो ऋण आवेशित एक अच्छे विद्युत चालक को निर्मित करते हैं। यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऋणात्मक आवेशित। आई होप दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। ओके चलिए दोस्तों फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, किस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कैसा होता है? समक्रांतिक यानी कि डिक्लिनेशन, अक्षांश, दिग्गंश या फिर नति? तो आपको बता दें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा भी जा चुका है यहाँ पर, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों क्या है। देखिए चुंबकीय घुमाव, चुंबकीय घड़ी का उत्तर यानी कि एक चुंबकीय घड़ी की सुई के अंत की उत्तर दिशा और वास्तविक उत्तर के बीच का कोण होता है। यानी कि दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर समझ सकते हैं अक्षांश। ओके क्लियर इतनी बात? ओके चलिए दोस्तों फिलहाल देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट और पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को, विलोपन को क्या कहते हैं? भराव, संपुटन, आच्छादन या फिर रसायनों का स्थिरीकरण? तो यहाँ पर आपको बता दें ठोस अपशिष्ट का अगम्य पदार्थ से लेप करने से कैंपिंग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जब जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इस पर अगर हम लोग दोस्तों अगम्य पदार्थ से अगर लेप कर देते हैं तो इसको जो है कैंपिंग के रूप में जाना जाता है, यानी कि दोस्तों आच्छादन, हिंदी में कहें तो उसको बोलेंगे आच्छादन और इंग्लिश में बोलें तो कैंपिंग। क्लियर इतनी बात? तो ध्यान रखिएगा आंसर में कुछ भी आ सकता है, कभी कभार दोस्तों कैंपिंग में यहाँ पर ऑप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है, दे दिया जाता है, तो इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। और देख सकते हैं फिलहाल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जल उपचार में परावैगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? जल अपघटक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में, उर्णिकारक के रूप में या फिर अपक्षेपक के रूप में? तो यहाँ पर देख सकते हैं परावैगनी किरण यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज का जो यूज़ है वो जल के रोगाणुनाशक के उपचार के प्रयोग में किया जाता है, यानी कि रोगाणुनाशक। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा आपका रोगाणुनाशक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया गया कि डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजी संरचना जो है किसके कारण होती है? बीटा या फिर अल्फा किरणों के द्वारा, यूवी किरणें के द्वारा यानी कि अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, आईआर रेज के कारण या फिर एक्स रेज के कारण? तो आपको दोस्तों बता दें जो अल्ट्रा वायलेट किरणों के द्वारा ही थाइमिन डीमर, ठीक है, यहाँ पर डाइन लिखा है लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये होता है थाइमिन डीमर का निर्माण जो है डीएनए में होता है। क्लियर है इतनी बात? ओके तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया गया, वर्ष 2013 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है? तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर ये है नोवाक जोकोविच। ओके, अमेरिका ओपन मेन सिंगल टाइटल 2013 में विजेता जो हैं वो थे आपके नोवाक जोकोविच।
इसके बाद दोस्तों आपको बता दें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, सिलिकॉन जो है किसका पॉलीमर है। दोस्तों सिलिकॉन यानी कि SI जो है वो किसका जो है पॉलीमर है, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का, सिलेन का, या फिर दोस्तों टेट्रा एल्किल सिलेन का, या फिर सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड का। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताते हैं, सिलेन का एक बहुलक जो है वो है सिलिकॉन, यानी कि दोस्तों राइट आंसर क्या है, यह है सिलेन, यानी कि बी वाला आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, जितना भी मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर आप लोग प्रिपेयर करते हुए चलिएगा। ओके, कोई भी अगर बात समझ में नहीं आ रही, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपके समझ में ना आए वो आप लोग कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ओके चलिए दोस्तों फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, प्राकृतिक जो कोलाइड है वो कौन सा है, इच्छु शर्करा है, रक्त है, सोडियम क्लोराइड है, या फिर यूरिया है। तो दोस्तों आपको बता दें जो रुधिर होता है, जो रड जो आपका जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो एक प्राकृतिक क्लोराइड है। ओके, निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, या फिर लूनर कॉस्टिक। तो आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर हॉर्न सिल्वर और सिल्वर को धारित, ठीक है, हॉर्न सिल्वर सिल्वर को धारित नहीं करता है, इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका हॉर्न सिल्वर। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम जो किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। आप सभी जानते हैं कि विटामिन B12 में जो है दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है, तो दोस्तों इसको जो है सबसे पहले जो किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण द्वारा प्रथम बार विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति का पता लगाया गया था। दोस्तों किसकी उपस्थिति में यहाँ पर सर्वप्रथम करा गया था, तो ये है दोस्तों आपको बता दें सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण के द्वारा, यानी कि बी वाला जो है आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेल बिखराव के शोधन के लिए अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक हेरफेर प्राकृतिक आइसोलेट आइसोलेटो से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है। तो अनुवांशिक हेरफेर से, प्राकृतिक आइसोलेट से विकसित नाइट्रोसोमनस जीवाणु तनाव तेल रिसाव के लिए रोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये है आपका क्लास्ट्रिडियम। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर, क्लास्ट्रिडियम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्लास्ट्रिडियम। और देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, नो फुल स्टॉप इन इंडिया, नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है मार्क टुली, ठीक है, मार्क टुली लिखा है, मार्क टुली जो है दोस्तों आपको बता दें दोस्तों ये है नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको मिलान करना, एक तरफ स्थान दे रखा है और एक तरफ अवस्थिति दे रखी है। तो यहाँ पर पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या है दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर, ये बताने दोस्तों इनमें से जो है कौन सा युग्म जो है सही मेल नहीं खाता है। तो ये आपका बी वाला, ये आपका गलत है, इसमें यही सही मेल नहीं खा रहा, बाकी आपको बता दें, ठीक, ये आपका दिया हुआ है या तियानमन स्क्वायर, ये बीजिंग में है, और ये देख सकते हैं आपका ट्रॉफलगर स्क्वायर, ये लंदन में, रेड स्क्वायर ये मास्को में, और ये आपका है गलत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है, दोस्तों जो उनका जो टाइमिंग है वो अस्थायी सदस्यों की वो होती है 2 वर्ष की, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो कितना है, वो है 2 वर्ष है। और यहाँ पर देख सकते हैं 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, दोस्तों 20वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर भारत की संघ सरकार ने 7 जनवरी 2012 को भारत के 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में DK जैन को नियुक्त किया था, न्यायमूर्ति DK जैन को नियुक्त किया था। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूलिया गिलार्ड कहाँ की प्रधानमंत्री हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर बेल्जियम। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों जो जूलिया गिलार्ड हैं वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री हैं, पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका था इसलिए आप लोग को पुराना लग रहा होगा, तो आपको बता दें दोस्तों ये पहले का पेपर है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद भी आ रहे होंगे, तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके, जिससे कि उन सभी को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनकी भी हेल्प हो सके। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खास सुरक्षा कानून पारित किया है, कौन सा होगा दोस्तों आप लोग बताइए, छत्तीसगढ़ होगा, गुजरात होगा, पंजाब होगा, या फिर केरल होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों जो राइट आंसर है बिल्कुल छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रथम खास सुरक्षा अधिनियम भारत में पारित किया है। छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है जिसने भारत में सबसे पहले खास सुरक्षा कानून पारित किया था।
और इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन से जो है पेशेवर क्रिकेटर नहीं है। तो डायरेक्टली दोस्तों आपको बता देते हैं यहाँ पर कि जो उसके अध्यक्ष हैं वो हैं पीटर, एक अव्यवसायिक क्रिकेटर थे। ओके, और यहाँ पर इसके बाद दोस्तों आपको बता देते हैं इसका जो राइट आंसर था ये है पीटर। और यहाँ पर देख सकते हैं 2012 में, 2012 की बात करें दोस्तों तो इस टाइम में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को मिला था, लियो झियाबो को मिला था, यूरोपियन संघ को मिला था, या फिर आपसे कहें कि यूएन, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो किसको मिला था दोस्तों? आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है यह है यूरोपियन संघ। किसको मिला था दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के उसमें उपलक्ष्य में? तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये मिला था यूरोपियन संघ को। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन के, तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं वर्ष 2011 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इनका नाम है दोस्तों ये है महान व्यक्ति जो है व्यक्ति प्रतिभा राय। तो ये महान व्यक्ति प्रतिभा राय जिन्हें दोस्तों जो है 2011 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से ने नवाजा गया, ने सम्मानित किया गया। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस यूपी पुलिस के जीएस के पोर्शन में सिर्फ इतना ही है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। फिलहाल दोस्तों आज सिर्फ इतना ही रखते हैं, जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसके नेक्स्ट पार्ट में तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कराए जाएँ तो आप लोग को उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसी आप लोग की रिक्वायरमेंट रहती है वैसा ही दोस्तों यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल हम आप लोग के साथ बराबर बने हुए हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आप लोगों से एक और लेटेस्ट इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।